नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आज आपको बता रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन होता है NH2 NP126। तो ये मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 और बोरॉन फैमिली को लर्न करने का फंडा है, बाबा आलम गए इनको थपड़िया दिया। या दूसरा फंडा है बैगन आलू गाजर इन थैला। अब एटॉमिक नंबर बोरॉन का होता है 5, तो आप एक बार 8 ऐड करिए, दो बार 18 ऐड करिए, एक बार 32 ऐड करिए। 5 + 8 = 13, 13 + 18 = 31, 30 + 18 = 49, 49 + 32 = 81। इसके बाद है कार्बन फैमिली और ग्रुप 14, इसको लर्न करने का फंडा है काशी जी शंकर सनकी पंजाबी, काशी जी सनकी पंजाबी। सेम फंडा, एक बार आपको एक 8 ऐड करना है, दो बार 18 ऐड करना है, एक बार 32 ऐड करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 + 8 = 14, 14 + 18 = 32, 32 + 18 = 50, 50 + 32 = 82। ग्रुप 15 और इसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली और इसको बोलते हैं निकोजन्स, इसको लर्न करने का फंडा है नाना पाटकर असरानी सब भिकारी, या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रिया सब भिकारी। सेम फंडा, नाइट्रोजन 7, 7 + 8 = 15, 15 + 18 = 33, 33 + 18 = 51, 51 + 32 = 83। इसके बाद है ग्रुप 16, इनको बोलते हैं कैल्कोजेंस और ऑक्सीजन फैमिली। याद करने का फंडा है ओल्ड स्टाइल से टी पो, ऑक्सीजन का 8, 8 + 8 = 16, 16 सल्फर, 16 + 18 सिलीनियम, 34, 34 + 18 टेल्यूरियम, 52, 52 + 32 पोलोनियम, 84। लर्न करने का फंडा है ओल्ड स्टाइल से टी पो। इसके बाद है ग्रुप 17 और हेलोजन्स, लर्न करने का फंडा है फिर कल बर्रा में आई आंटी, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, ये ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 17 में भी है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9 + 8 क्लोरीन 17, 17 + 18 ब्रोमीन 35, 35 + 18 आयोडीन 53, 53 + 32 एस्टेटीन 85। इसके बाद में ग्रुप 18 और नोबल गैस और इनर्ट गैस को लर्न करने का फंडा है हीना नीना अरीना करीना जीना रुबीना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 + 8 = 10, 10 + 8 = 18, 18 + 18 = 36, 36 + 18 = 54, 54 + 32 86। लर्न करने का इजी फंडा है हीना नीना और करीना जीना रुबीना। स्टूडेंट, अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट लर्न करने का फंडा समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।